हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाएंगे कचौरी ढोकली। दाल ढोकली आपने बहुत बनाई है, लेकिन एक बार आप कचौरी ढोकली बनाना, बहुत ही टेस्टी लगती है, यम्मी लगती है। तो आप पूरा वीडियो मेरा एंड तक देखना, क्योंकि ऐसा मैं क्यों टेस्ट डालूंगी कि इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। आप दाल ढोकली में भी वो डाल सकते हो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर मैंने 2 कप दाल बॉईल करके रखा है, टुवे दाल, उसको मैं ले लेती हूँ। इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम लोग उसको पूरा मिक्स कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग पूरा मसाला ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं 1/4 टीस्पून हल्दी ले रही हूँ, धनिया पाउडर ले रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे नमक टेस्ट के हिसाब से लूँगी। 2 चम्मच में शक्कर डाल दूँगी इसके अंदर, क्योंकि हम लोग खट्टी मीठी बनाएंगे। तो ये डालेंगे, अदरक की पेस्ट डालूँगी, हरी मिर्ची की पेस्ट डालूँगी। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग लेमन रस, मतलब मैं नींबू का रस डाल देंगे 2 टेबल स्पून, क्योंकि हमने 2 टेबल स्पून शुगर लिया है। इसलिए इसको सारा मिक्स करके हम उबालने के लिए रख देंगे। तब तक मैं हम लोग ढोकली के लिए आटा गूंथ लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 कप आटा लिया है, उसमें हम लोग हल्दी डाल देंगे, धनिया पाउडर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग हींग डालेंगे और मिर्ची डाल देंगे और थोड़ा अजवाइन डालेंगे। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमको अजवाइन डालोगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। टेस्ट के हिसाब से नमक लेंगे और 2 टेबलस्पून हम लोग ऑयल डालेंगे और इसका आटा अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। तो यहाँ पे आटा आपको थोड़ा नरम भी नहीं करना है, बहुत सख्त भी नहीं रखना है, मतलब में एकदम नॉर्मल रखना है। हम पराठा जैसा बनाते वैसे, तो वैसे ही हम लोग बना के रेडी कर दिया ये। और इसको मैं कूट लूँगी, मतलब मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, तो अच्छे से हमारी ढोकली बनेगी। इसको हम लोग 10 मिनट के लिए रेस्ट देने के लिए रख देते हैं। इसके अंदर जो मैं मसाला बनाऊँगी वो है आलू का। मैंने आपको बोला कचौरी ढोकली है, तो आलू का मसाला हम बनाएंगे। इसको मैंने कद्दूकस कर दिया है। ये मैंने 4 आलू लिया है। इसमें मैंने हल्दी, नमक और अदरक मिर्ची की पेस्ट डाली है। उसके अंदर हम लोग थोड़ी धनिया डाल देंगे, नींबू का रस डाल देंगे और सारी चीज़ें हम लोग मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। तो इसको मिक्स कर देना है अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स, ये ढोकली में जो आलू का टेस्ट आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप पूरा वीडियो मेरा एंड तक देखना, क्योंकि मैं जो वघार करूँगी उसमें कुछ ऐसा डालूँगी कि इससे हमारी जो ढोकली है बहुत ही अच्छी बनेगी। अब इसका मैं छोटा छोटा रोल बना दूँगी सब। तो हम लोग रोल रेडी कर देते हैं गोल गोल। तो ये मेरा सब रेडी करके रख दूंगी मैं साइड पे। अभी ये मेरा रेडी हो गया है। यहाँ पे हम लोग इसको छोटे छोटे बेलेंगे। तो ये मैं छोटी छोटी बेल के पूरी करूँगी रेडी, और उसके अंदर हम लोग जो बॉल्स बनाए हैं आलू का वो डाल देंगे। उसको हम लोग को कचौरी शेप देना है, तो मैंने ये कचौरी जैसा बना दिया है। ऐसे ही मैं सारी कर दूँगी कचौरी रेडी। तो यहाँ पे दूसरा भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि छोटी छोटी पूरी बेलनी है, पतली बेलनी है, ये ध्यान में रखना है। आप लोगों को मोटा नहीं बेलना है। तो इसके अंदर हम लोग डाल देंगे इसको, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसकी कचौरी शेप दे देंगे। तो वैसे ही हम लोग सब रेडी कर देते हैं। मैंने रेडी कर दिया है। अभी हमारी दाल उबल गई है। अभी इसके अंदर हम लोगों ने जो कचौरी बनाई है वो इसके अंदर ऐड करेंगे। मैंने थोड़ा उसको प्रेस करके चपट बना दूँगी, तो अच्छी तरह से वो पक जाएगी। बिकॉज आप धीरे आंच पे उसको 15 मिनट रखोगे तो वो हो जाएगी, लेकिन जल्दी होने के लिए मैं ऐसे करती हूँ तो बहुत ही अच्छी बन जाती है। तो हम सारी इसमें डाल देंगे। इसके अंदर अगर आप चाहो तो ढोकली भी डाल सकते हो। तो मैं ढोकली भी एक डाल के आपको दिखाऊंगी कि हम लोगों को ढोकली बेलना है पतली पतली और इसको इसके अंदर ऐड करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग इसको ढोकली डाल देंगे। थोड़ा हम ढक के भी रख देंगे, क्योंकि थोड़ा ढक के रखेंगे तो ये अच्छी तरह से पक जाएगी। और ढोकली भी हमने डाल दी है। अगर आपको कचौरी नहीं बनानी है तो ढोकली भी बना के आप डाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, एकदम इजी तरीके से आप ये बनाते हो तो एकदम टेस्टी भी लगता है। अभी इसका हम लोग वघार करेंगे। तो मैंने आपको बोला है वघार में मैं कुछ ट्रीस डालूँगी। यहाँ पर मैंने राई डाल दी है, जीरा डाल दूँगी, उसके अंदर हम कड़ी पत्ता भी डाल देंगे, हींग डाला है, और यहाँ पर मैं मेथी डालूँगी। सूखी मेथी आती है वो डालोगे तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो आप ये डालोगे तो दाल भी अच्छी बनेगी हमारी। यहाँ पे मैंने सूखी मिर्ची ली है, टमाटर भी ऐड कर लिया है।
तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी दाल बनाते हो तो आप सूखा वाला मीठा अगर वगैरह में डालते हो तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून मिर्ची डाल दूँगी और इसका वगैरह हम लोग इसके अंदर डाल देंगे। तो इसके अंदर हम वगैरह ऊपर से ही करेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि वगैरह ऊपर से करते हो तो वो दिखता भी है और टेस्ट में भी बहुत ही बढ़िया लगता है। तो हमको पहले से वगैरह नहीं करना है, ये ध्यान में रखना है हम लोगों को। और इसको हम लोग धीरे आँच पे और 5-7 मिनट चढ़ाएंगे और इसके बाद यहाँ पे हम लोग सर्व करेंगे। तो ये 5 मिनट हमारी रेडी हो गई है और आप देख सकते हो मैं इसके अंदर धनिया भी डाल देती हूँ। धनिया का भी टेस्ट चढ़ाने के लिए हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे। और तो फ्रेंड्स, लुक वाइज अच्छी है, यम्मी है और टेस्टी है। इसको हम लोग खाने के लिए रेडी करते हैं। तो हम लोग प्लेट लेंगे और सर्विंग करेंगे इसका। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट ली है, इसके अंदर मैंने थेपला लिया है हमारा गुजराती और प्याज लिया है। इसके साथ प्याज और थेपला बहुत अच्छा लगता है। इसके अंदर हम लोग ढोकली डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने ढोकली भी ऐड कर दी है। तो फ्रेंड्स, इतनी बढ़िया टेस्टी और हमारी जो कचौरी ढोकली है, खाने के लिए रेडी हो जाओ। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। अगर आपको मेरी सारी रेसिपी अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो और आपके घर पे भी बना सकते हो। तो मैं इजी तरीके से आपके लिए लेके आती हूँ, जो भी चीज़ लेके आती हूँ तो आप घर पे इजी तरीके से घर पे ही बना सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।